हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल्स पे वी एस एजुकेशन्स हब में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन डिस्कशंस करेंगे इम्पॉर्टेंट बुक्स, जो इम्पॉर्टेंट बुक्स आपकी मार्च और अप्रैल जो लास्ट 2 मंथ थे उनकी जो बुक्स इम्पॉर्टेंट थी, जो आपकी एग्जाम्स का पार्ट बनेगी, वही बुक अपन इस वीडियो में डिस्कशंस करेंगे। कुछ बुक्स मैंने थंबनेल ने दी, जैसे आप देख सकते हैं, रीड यू आर द मोस्ट क्रॉनिकल्स, राइट, क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस, एंड देन द एनलाइटमेंट ऑफ द ग्रीन केज, राइट। ये कुछ इम्पॉर्टेंट थी है और इन बुक अपन डिस्कशंस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सेशंस के अंत तक जरूर बनिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब करें ताकि इस टाइप के आपको वीडियो रेगुलर मिलते रहें, ओके। एंड वीडियो अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, 10% भी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कोई आपका डाउट हो कमेंट बॉक्स में तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ओके। आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्स में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बुक्स से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन पूछता है, या तो बुक्स पूछता है या उस बुक का आपको बुक्स दे के राइटर पूछता है। एक या दो क्वेश्चन तो गारंटी पूछेगा ही पूछेगा, ओके। तो प्लीज़ ध्यान से बनिएगा, स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर दें। एक मैंने ब्रांड मास्टर्स का वीडियो अपलोड किया था, उसको भी देखिएगा, जनवरी से अप्रैल तक, राइट, पूरा कंप्लीट मैंने वहाँ पर सब कुछ डिस्कशंस किया था। टोटल्स 4 मंथ के जो ब्रांड मास्टर्स न्यूज में रहे थे उन सभी का मैंने वहाँ पर डिस्कशंस किया था। आप देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा, ओके। और अप्रैल जो लास्ट मंथ गया था उसमें मैंने खिलाड़ी और प्लस उससे खेल से रिलेटेड सारा वीडियो मैंने अपलोड किया था। खिलाड़ी का नाम, उस खिलाड़ी का क्या संबंध, कौन से खेल से संबंध है, राइट, वह कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, सब कुछ मैंने वहाँ पर बताया है। अब जाइए देखिए, पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, सर हमको पीडीएफ दे दीजिए, हम पढ़ लेंगे, ओके। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, कोई चार्जेस नहीं है, आप टाइप कर सकते हैं, ओके। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ माय डियर एस्पिरेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखिए, कुछ मैंने MCQs फॉर्मेट में रखे हैं, राइट, कुछ मैंने MCQs फॉर्मेट में, यानी कि एग्जाम्स में आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इसी के लेवल पे, ओके। कुछ मैंने वन लाइनर भी रखे हैं, राइट, वन लाइनर जो क्वेश्चंस आते हैं, वन लाइनर जो एक तरह से कह सकते हैं आपके जो पूरा एक ही लाइन में आपका क्लियर हो जाएगा ये चीज़ कहना चाहता है, राइट। कुछ MCQs है, कुछ वन लाइनर है, तो प्लीज़ ध्यान से बने रहिएगा, सेशंस को अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो टाइप कर दीजिएगा, ओके। देखिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, हुज बायोग्राफी, ऐसी बायोग्राफी हैज बीन ऑथर्ड बाय सतगुरु पाटिल एंड माया भूषण नागवेकर। सतगुरु पाटिल और माया भूषण नागवेकर ने किसकी जीवनी लिखी है, दैट इज द क्वेश्चन। नरेंद्र मोदी, मनोहर पर्रिकर, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, राइट, किसकी जीवनी लिखी है, ये क्वेश्चन मैंने पूछा है। इससे अगेंस्ट आपको यही क्वेश्चंस में घुमा के सदगुरु पाटिल और माया भूषण ने मैंने क्वेश्चंस पूछा है कि किसकी जीवनी लिखी है। आपको उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम देखिए, राइटर हो सकता है कि ये जो जीवनी लिखी गई है, राइट, ये कौन से राइटर्स ने लिखी है, ओके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर है मनोहर पर्रिकर, राइट, मनोहर पर्रिकर, ये आप देख सकते हैं, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मनोहर पर्रिकर के बेसिस पे इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, सतगुरु पाटिल और माया भूषण नागवेकर, ओके। मनोहर पर्रिकर, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए मनोहर पर्रिकर जब यूनियन मिनिस्टर्स बने थे डिफेंस के, राइट, डिफेंस यूनियन मिनिस्टर्स बने थे, राइट, लगभग ये मोदी 1.0 यानी कि 2014 से इन्होंने वहां पर 2014 से 2017 तक इन्होंने वहाँ पर कार्यकाल संभाला था, डिफेंस यूनियन मिनिस्टर्स के बेसिस पे। उसके बाद इनको गोवा का चीफ मिनिस्टर्स का प्रभार दिया गया था, राइट। तो इनके ऊपर इन्होंने एक तरह से बायोग्राफी लिखी है, सदगुरु पाटिल और माया भूषण नागवेकर, ये देख सकते हैं, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर। आपको नाम भी पूछ सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर, हु इज द राइटर ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक,
राइट, प्लीज इस चीज को नोट कर लीजिएगा। एक इनकी बेसिस पे मैं बता देता हूँ, इनविंसिबल, राइट। इनविंसिबल्स अपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ, इनविंसिबल एक नामक बुक है, राइट। जो जो फर्स्ट आपकी जो मनोहर पर्रिकर जी की एक तरह से कह सकते हैं डेथ एनिवर्सरी थी फर्स्ट, राइट, उनके बेसिस पे एक बुक लिखी गई थी, इनविंसिबल्स ट्रिब्यूट एंड इन ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर, वह बुक भी लिखी गई है तरुण विजय द्वारा, राइट। तरुण विजय इज द राइटर ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक इनविंसिबल्स ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर। क्लियर, एग्जाम्स में से एक ना एक क्वेश्चन इसमें से जरूर बनेगा, तो आप इम्पॉर्टेंट है इस चीज को नोट कर लीजिएगा। और ये इनविंसिबल जो बुक है ये रिलीज की थी राजनाथ सिंह, जो अभी करंट में डिफेंस मिनिस्टर्स हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ, एक ही क्वेश्चन से, एक ही बुक के क्वेश्चन से मोस्ट ऑफ फैक्ट्स क्लियर हो गए। ओके, अब चलते हैं आपके नेक्स्ट सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नेम द पर्सन हु हैज रिटन द बुक टाइटल्स मसीहा मोदी अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, यानी कि जो मसीहा मोदी नामक बुक है यह किस लेखक ने लिखी, अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, यह लिखी है माय डियर प्रिंस, दैट इज द तैवलीन, राइट, तैवलीन सिंह, राइट। तैवलीन सिंह इज द राइटर ऑफ मसीहा मोदी अ टेल ग्रेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एक तरह से कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जी की जो लाइफ के बारे में है, राइट, कौन कौन से कार्य किए हैं, कौन कौन से डिसीजंस हैं, उसके बारे में इस बुक में वर्णन किया गया है। तरुण विजय, मैंने अभी आपको बताया था तरुण विजय ये आपके राइटर हैं इनविंसिबल्स ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर। अपूर्वा पुरोहित, लेडी यू आर द बॉस, राइट, लेडी यू आर द बॉस की राइटर है अपूर्वा पुरोहित, एक बुक है। शशि थरूर, ये इन्होंने बुक लिखी थी द हिंदू वे, राइट, द हिंदू वे, ये द हिंदू वे बुक के राइटर हैं। क्लियर, ये बुक का एक तरह से पूरा शीर्षक भाग है, राइट, टोटल्स पूरा टोटल्स फ्रंट पेज आप जिसको कह सकते हैं। आई रिपीट अगेंस, तरुण विजय ने बुक लिखी थी अनविंसिबल्स ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर, अपूर्वा पुरोहित ने, लेडी यू आर द बॉस की राइटर है अपूर्वा पुरोहित, शशि थरूर ने बुक लिखी थी द हिंदू वे, तैवलीन सिंह ने बुक लिखी है मसीहा मोदी अ टेल ग्रेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ओके, क्लियर हो, यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज लाइक बटन पर जरूर प्रेस करें। ओके, नेक्स्ट देखिए, अभी मैं आपको बताया था लेडी यू आर द बॉस शीर्षक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, हैज बीन ऑथर्ड बाय हु अमंग द फॉलोइंग, किसके द्वारा लिखी गई है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये लिखी गई है अपूर्वा पुरोहित, राइट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, ये देखिए इसका फ्रंट पेज भी आप देख लीजिए, दिखा देता हूँ, ये लेडी यू आर द बॉस, यू आर द बॉस, एक और ये इनका सेकेंड बुक है, राइट, ये सेकेंड बुक है, राइट। फर्स्ट बुक इन्होंने लिखी थी लेडी यू आर नॉट मैन, राइट, लेडी यू आर नॉट मैन, राइट, ये इसकी सेकेंड बुक है, फर्स्ट बुक है लेडी यू आर नॉट मैन एंड सेकेंड बुक है लेडी यू आर द बॉस, राइट। टोटल्स प्रिपेयर एक तरह से महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, कैसे संघर्ष कैसे फेज आ रहे हैं, वुमेन्स के लाइफ में कैसे चैलेंजेस आते हैं, उन सभी का डिटेल्स में इसमें वर्णन किया गया है। ओके, आपको मालूम होना चाहिए जागरण, जो जागरण स्कूप है उनकी प्रेसिडेंट है अपूर्वा पुरोहित। ओके, क्लियर हुआ, लेडी यू आर द बॉस दोनों बुक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स का पार्ट बन सकता है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेम द पर्सन हु ऑथर्ड द बाय Who authored the book My Encounters in Parliament? यानी कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने पुस्तक संसद में मेरे एनकाउंटर लिखी है, राइट, तो माय डियर फ्रेंड्स यह लिखी है बालचंद्र मुंगेकर, राइट, बालचंद्र मुंगेकर, राइट, डी इसका करेक्ट आंसर है। यह एक इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं और फॉर्मर राज्यसभा भी सांसद भी रह चुके हैं, राज्यसभा मेंबर की याद रखिएगा। माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट ये लिखी है भालचंद्र मुंगेकर ने। ओके, तरुण विजय मैंने आपको अभी बताया था, तरुण विजय कौन है, तरुण विजय इनसिबल्स जो बुक लिखी थी रिवाइज कीजिए, जितनी अच्छे से आप रिवाइज करेंगे गारंटी है आप
कभी नहीं भूलोगे। इनविंसिबल्स जो बुक लिखी है वह आपकी तरुण विजय, सदगुरु पाटिल्स और माया भूषण्स इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ फॉर आपकी मनोहर पर्रिकर, राइट, इन दोनों राइटर्स ने। क्लियर, रिवाइज होना चाहिए, सेशंस को बार बार देखिए तभी आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेम द पर्सन्स हु हैज रिटन द बुक टाइटल्स लेगेसी ऑफ लर्निंग, यानी कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने बुक लिखी है विरासत की सीख, यानी कि लेगेसी ऑफ लर्निंग, वह कौन है? तो दैट इज द सविता छाबरा, राइट, सविता छाबरा, सविता छाबरा ने ये बुक लिखी है लेगेसी ऑफ लर्निंग। ओके, ये देख लीजिए, इसका फ्रंट पेज है लेगेसी ऑफ लर्निंग श्रीमद भागवत गीता, राइट, एक तरह से कह सकते हैं जो जो वर्णन है वहां पर सविता छाबरा इसकी राइटर है। ओके, शशि थरूर, शशि थरूर ने मैंने अभी आपको बताया था द हिंदू वे, राइट, द हिंदू वे ये नामक पुस्तक शशि थरूर ने लिखी है। क्लियर, इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्स डेडलिस्ट एनिमी आर वार अगेंस्ट किलर जर्म्स, यानी कि डेडली एनिमी अवर वार अगेंस्ट किलर जर्म्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को तो आप सुपर इंपॉर्टेंट मार्क के लिए। अब आप पूछ रहे होंगे सर वाई, माय डियर स्टूडेंट्स आई टेल यू, देखिए अभी आपको मालूम है कोरोना वायरस से इफेक्टेड बहुत पूरी दुनिया बहुत इफेक्टेड है, राइट, संघर्ष कर रही है इससे निपटने के लिए, तो इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है वायरस से कैसे निपटा जाए, राइट, अगेंस्ट किलर जर्म्स, यानी कि जर्म्स कैसे मारा जाए, राइट, इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में चांसेस इस क्वेश्चन का या इस पुस्तक का आने का चांसेस है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये पुस्तक लिखी है मिशेल्स ऑस्टेनोल और मार्क ओलेस्का, राइट, ये दोनों मिलकर इन्होंने इस पुस्तक लिखा है, तो डेट इज द सी एंड डी, दोनों सी एंड डी, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा, मिशेल्स ऑस्टेनोल एंड मार्क ओलेस्का, ओके, बी इसका करेक्ट आंसर है। फ्रंट पेज देख लीजिए, डेडलिस्ट एनिमीज, ओके। नेक्स्ट आइए, बैकस्टेज द बिहाइंड स्टोरी इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स नामक पुस्तक किसने लिखा? हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्स बैकस्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स? माय डियर स्टूडेंट्स, यह पुस्तक लिखी गई है मोंटेक सिंह अहलूवालिया, राइट, मोंटेक सिंह अहलूवालिया इज द राइटर ऑफ बुक बैकस्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स, राइट, मोंटेक सिंह अहलूवालिया की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। ओके, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, सेवंथ का बी, ओके, ये देख लीजिए इसकी बैक, ये इसका फ्रंट पेज है। ओके, आई होप यहाँ तक अगर आपको समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना जरूर मत भूलिएगा। ओके, एंड देंस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अलग अलग स्टूडेंट्स में, ग्रुप्स में, जहाँ जहाँ आपकी रीच है प्लीज शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दें ताकि मेरा मोटिवेशन इंक्रीज हो पाए। ओके, आपका कोई डाउट हो वीडियो से रिलेटेड हो तो प्लीज बताएं ताकि मेरे को पता चल सके मेरे को किस टाइप से वीडियो क्रिएट करना है। ओके, आपको देख सकते हैं न्यू चैनल से, ओके, तो प्लीज प्लीज आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। ओके, मूविंग ऑन चलता हूँ नेक्स्ट पे, देखिए नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। Who has authored the book titles Sri Devi, the Eternal Screen Goddess, right? Goddess, Sri Devi, the Eternal Screen Devi, जिसको आप कह सकते हैं, नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो my dear friends, यह लिखा है सत्यार्थ नायक ने, right? सत्यार्थ नायक ने ये पुस्तक लिखी है Sri Devi, the Eternal Screens, right? Screens Goddess, सत्यार्थ नायक, मैं दिखा देता हूँ, देखिए ये देखिए, ये हैं सत्यार्थ नायक, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है श्री देवी द इटर्नल्स स्क्रीन गॉडनेस। ओके, क्लियर हुआ? अपूर्वा पुरोहित, लेडी यू आर द बॉस और लेडी यू आर नॉट मैन, ये पुस्तक अपूर्वा पुरोहित ने लिखी है। ओके,
द आर्ट ऑफ हिज द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप, जो मेलानिया ट्रंप है उसके बेसिस पे पुस्तक लिखी गई है द आर्ट ऑफ हिज टेल्स अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। यह किसने लिखी है? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैरी जॉर्डन, राइट। मैरी जॉर्डन ने इस पुस्तक को लिखा है द आर्ट ऑफ हिज टेल द अनटोल्ड स्टोरी। ओके, बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल शटरिंग्स टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, शटरिंग्स टू द टॉप स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो माय डियर फ्रेंड्स, इस पुस्तक के राइटर हैं नन अदर आपकी कृष्ण स्वामी राइट। ये आप देख सकते हैं, डी इसका करेक्ट आंसर हो सकता होगा। ओके, डी इसका करेक्ट आंसर। ओके, कृष्ण स्वामी में। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, 10th का डी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स का पार्ट जरूर बनेगा यह क्वेश्चन। ओके, तो ये टोटल्स थे आपके 10th एमसीक्यूज फॉर्मेट में। आपको इसी लेवल में क्वेश्चंस पूछेगा, कहीं आपको ऑथर्स पूछेगा, ऑथर पूछ के पुस्तक दे सकता है, पुस्तक देखिए ऑथर हो सकता है, किसी की बायोग्राफी देखिए, आपको बायोग्राफी बेसिस पे पूछ सकता है। ओके, तो प्लीज़ इस चीज़ को नोट जरूर कीजिएगा। यहाँ तक अगर आपको लगा समझ में आया, हेल्पफुल लगा, तो लाइक बटन पर जरूर प्रेस कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, अब देखिए वन लाइनर है, जो यू अपन ने पढ़े थे वो अभी आएंगे, और जो नहीं पढ़े वो अभी अपन वन लाइनर में डिस्कशंस करें। फर्स्ट आपके सामने द 12th कमेंडमेंट्स ऑफ बींग्स अ वुमेन्स, यह पुस्तक लिखी है द हायरा कश्यप ने, राइट। हायरा कश्यप, ये आयुष्मान खुराना की पत्नी हैं हायरा कश्यप, इन्होंने ये बुक लिखी है द 12th कमेंड्स ऑफ बींग अ वुमेन्स, राइट, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए। नेक्स्ट आपका ये देखिए, जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे, क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियनशिप, यह पुस्तक लिखी है स्मृति ईरानी, जो महिला व बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, इन्होंने पुस्तक लिखी है क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियनशिप, राइट। यह एक तरह से जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है उसके माध्यम से इसको लिखा गया है, राइट। नेक्स्ट देखिए, द एडवेंचर्स ऑफ द डेयर डेविल्स डेमोक्रेट, ओके, द एडवेंचर्स ऑफ द डेयर डेविल्स डेमोक्रेट, यह पुस्तक एक तरह से लिखी नवीन पटनायक के बेसिस पे, अब इन्होंने रिलीज्ड की है, राइट। यह एक उनकी पिताजी हैं नवीन पटनायक, जो पिताजी हैं बीजू पटनायक, उनकी जीवनी के बारे, उनके जीवन में जो संघर्ष हुए हैं उनके बारे में, इन्होंने किस किस की मदद की है उनके बारे में यह पुस्तक लिखी गई है। नाम है द एडवेंचर्स ऑफ द डेयर डेविल्स डेमोक्रेट। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस चीज़ को नोट कीजिएगा। जिस स्टूडेंट्स ने जो एंड एक तरह से बिगिनिंग से सेशंस देखा है यहाँ तक, बहुत हेल्प करेगा, प्लीज़ बने रहिएगा, सेशंस को जरूर देखिए पूरा। ओके, नेक्स्ट का लेडी यू आर द पर्स, दैट इज द राइटर ऑफ अपूर्वा पुरोहित, एंड एक बुक इनकी फर्स्ट बुक थी, देखिए ये इनकी सेकेंड बुक है, राइट। फर्स्ट बुक मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, लेडी यू आर द मैन, ये लेडी यू आर नॉट मैन, यह भी इनकी पहली बुक थी। ओके, नेक्स्ट देखिए, इनविंसिबल्स अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर, तरुण विजय इज द राइटर ऑफ इनविंसिबल्स अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर, राइट। यह पुस्तक एक तरह से रिलीज की थी राजनाथ सिंह, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इसको रिलीज किया था। ओके, माय एनकाउंटर इन पार्लियामेंट, बालाचंद्र मुंगेकर। नेक्स्ट, मसीहा मोदी अ ट्रेल क्रेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, टेवलिन सिंह इज द राइटर ऑफ मसीहा मोदी अ क्रेट ऑफ अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, मिसिंग इन एक्शंस, द प्रिजनर्स हु नेवर कैम बैक, ये पुस्तक लिखी है चंद्रशुता डोगरा ने। ओके, प्लीज इस चीज को नोट कर लीजिएगा। वन सेकेंड, नेक्स्ट आपका लेगेसी ऑफ लर्निंग, दैट इज द सविता छाबरा, एंड लास्ट है कोरोना स्टडीज सीरीज, यह एक पुस्तक है, तो यह लिखी गई थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, राइट, जो कोरोना के बेसिस पे है, तो ये पुस्तक लिखी है कोरोना स्टडीज सीरीज, दैट इज द
आपके मानव संसाधन एक तरह से जो मिनिस्ट्री है जिसकी मानव संसाधन विकास मंत्री आपको मालूम है रमेश पोखरियाल निशंक है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी हरिद्वार उत्तराखंड से हरिद्वार से आता है राइट। कोरोना स्टडीज ये टोटल्स थे मार्च की 10th बुक्स जो इम्पॉर्टेंट थी एग्जाम्स में पार्ट बन सकता है। अब चलते हैं अप्रैल्स में। देखिए अप्रैल्स की पहली बुक है डेडलिस्ट एनिमी आर वार अगेंस्ट किलर जम्स, यह पुस्तक लिखी है मिशेल्स ऑस्टरहोम एंड मार्क ओलेस्कर। ओके नेक्स्ट अप का है द एनलाइटमेंट ऑफ द ग्रीन केज, यह पुस्तक लिखी है शोकाफ अजहर, बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज को तो आप सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, एग्जाम्स में जरूर यह क्वेश्चंस बनेगा, आपको टफ लेवल के क्वेश्चंस बनाना है तो यहीं से ही बनेगा। द एनलाइटमेंट ऑफ द ग्रीन केज शोकाफ अजहर, ये आपके ईरानियन राइटर है, ईरानियन ऑथर है एक तरह से कह सकते हैं राइट, ईरान के, इन्होंने इस बुक के लिए बुकर प्राइज भी मिला हुआ है, इनको बुकर प्राइज माय डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बुकर प्राइज मिला है जो किसी व्यक्ति को किसी के पर्पज पे, पहला ईरानियन ऑथर है जिनको ये बुकर प्राइज मिला है इस पुस्तक के लिए है राइट। तो प्लीज़ यह चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको सारे डिस्कशंस कर ली है, एग्जाम्स में आए कन्फ्यूज मत होइएगा। द एनलाइटमेंट ऑफ द ग्रीन केज। नेक्स्ट देखिए बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडिया हाई ग्रोथ ईयर्स दैट इज द मोंटैंक सिंह अहलूवालिया। नेक्स्ट आपका श्रीदेवी द एटर्नल स्क्रीन्स गॉडेस, ये आपकी पुस्तक लिखी है सत्यार्थ नायक ने। मेमोरीज एंड मिस इन्फॉर्मेशन, ये आपकी पुस्तक लिखी है जिम कैरी एंड डायना बेकर ने राइट, मेमोरीज एंड मिस इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिए द आर्ट ऑफ हर डील्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप्स, ये मैंने आपको अभी बताया है मैरी जॉर्डन सेटलिंग टू द टॉप स्टोरी टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पी वी सिंधु, ये लिखी है आपके कृष्ण स्वामी वे ने। ओके हाउ द ऑनियंस गॉट्स इट्स लेयर्स लायर्स दैट इज द सुधा मूर्ति ने। ओके सायजयुरा गायकवाड थ्री महाराजा ऑफ बड़ौदा राइट, यह पुस्तक लिखी है उमा बाला सुब्रमण्यम राइट, दैट इज द राइटर ऑफ सायजयुरा गायकवाड थ्री महाराजा ऑफ बड़ौदा। ओके नेक्स्ट एंड लास्ट देखिए द विजनर सीरीज सीजन वन वेस्ली किंग राइट, यह पुस्तक लिखी है वेस्ली किंग ने द विजनर सीरीज सीजन्स वन। ओके तो ये तो थी आपकी टोटल्स 10 बुक्स अप्रैल मंथ की और 10th बुक मार्च मंथ की कुछ एमसीक्यूज फॉर्मेट में। अगर आप सेशंस के अंत में जुड़े हैं तो प्लीज़ आप जरूर जाइए, स्टार्टिंग से सेशंस देखिए, बहुत हेल्पफुल सेशंस है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छी बुक्स मैंने यहाँ पर डिस्कशंस की है। ओके वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक करें, मेरा मोटिवेशन इंक्रीज करें, प्लीज़ जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके कोई आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, सर ये मेरा डाउट है, कोई वीडियो सजेशन है तो जरूर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश भी करूँगा। ओके सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको जो भी आपको वीडियो लेटेस्ट वीडियोज अपलोड होते हैं तो तुरंत आपको मिल जाएगा राइट। खिलाड़ी से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ब्रांड एम्बेसडर जो जनवरी से अप्रैल तक के वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं, वीडियो शेयर तो बता दीजिएगा। तो एंड अप करते हैं सेशंस को, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप यू आर अच्छे से आपको मजा आया होगा, अच्छे से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।